Assalamualaikum और वेलकम बैक। एक और नया रूटीन व्लॉग शुरू हो चुका है क्योंकि आज का नया दिन शुरू हो चुका है। सो लेकिन आज मैंने कहा भाई रोजाना सुबह से शुरू कर रही हूँ, नहीं भाई आज मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैंने शाम से अपनी रूटीन स्टार्ट की है। सो बेसिकली देखें केक इतना मजे का आया हुआ था। अभी हमारे घर में आए हुए हैं गेस्ट जिनके लिए कुछ करनी है प्रेप, लेकिन वो प्रेप करने से पहले थोड़ा मैं चिक लूँ ना। गाइस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखें कितना प्यारा मनी प्लांट, ये देखें मम्मा ने किसमें इसमें लस्सी पी थी मैंने और इसमें मम्मा ने ये उगाया, कितना प्यारा लग रहा है यार। वैसे एक बात है ना, बहुत सारे हो जाएंगे, ये इधर साथ में रख देती हूँ। लस्सी का ग्लास है ये देखें गाइस, ये ऐसे करके खुलता है, इसके अंदर पानी डाला है मम्मा ने, इसको वापस से ऐसे बंद कर दिया है। और ये देखें इसके अंदर लीव्स मनी प्लांट के रूट समेत तोड़े हैं ना मम्मा, नहीं डंडी तोड़ी है, ऐसे इसके अंदर दिखाएं ऐसे करके इसको बंद कर दिया है। और ये देखें और इधर से लिया था मनी प्लांट के दो लीव्स, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कहीं पे भी रख दो तब भी प्यारा लगेगा ये। गाइस आज मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बादल बादल काले काले आए हैं। सो गाइस मैंने आपको मनी प्लांट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। इसमें जला दिए सारे मिसबा, फिर ये यूं नहीं रखा करो, फिर उसको जलाया करो तो सीधा ही रखा करो, बी कॉन्फिडेंट इनफ। बस साथ ही साथ ये मेहमानों के लिए कुछ थोड़े से स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं। और मनी प्लांट आपने मेरे घर में बहुत ज्यादा देखे होंगे, सो मैगी वाला ग्लास था लस्सी का, इसमें मम्मा ने मनी प्लांट अभी डाला, वो प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा चलो ये दिखा देती हूँ। लेकिन मतलब किचन में भी हमारे मनी प्लांट रखे हुए हैं, दरवाजे पे वो जो एंट्रेंस वाली जगह उस पर भी मनी प्लांट्स रखे हुए हैं क्योंकि मम्मा को ये मनी प्लांट्स बहुत पसंद है। तुमने भी जला दिए ये, नहीं चला है सारे तो काले हो गए यार। तुम्हें पता है कि एक जगह से जो चूल्हे की गैप है ना तेज होती ना वहां से चलेगा। सो गाइस मैंने मनी प्लांट के बारे में सुना है कि ये ना बरकत वाला पौधा है घर में, यानी कि इनकम और आमदनी और रिस्क के लिहाज से भी ना इसको अगर आप ग्रो करो तो बरकत होती है घर में ना। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी वैलिड है, आई डोंट नो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आप में से किसी को इसकी वैलिडेशन पता है तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मेरी मम्मा तो मनी प्लांट का बहुत ज़्यादा करती हैं इस लिहाज से कि बिल्कुल भी वो ड्राई ना हो, सूखे ना, क्योंकि फिर जो है ना जैसे ही अगर थोड़ा सा भी ड्राई होने लगे ना तो मम्मा इसकी फिर बहुत केयर करनी शुरू कर देती हैं। इसको मतलब ड्राई नहीं होने देती, इसको ड्राई नहीं होने देती, मुरझाने नहीं देती, यानी कि एक अच्छा प्लांट अगर लगा हुआ है तो वो वैसे ही लगा रहे। अब तुमने खीर के लिए ये बोल्स लेके जाने, बोल्स वो तुम्हें लेके जाने का है, मुझे अभी कह रही थी प्लेट ये तुम्हारी आँखें, मुझे लगता है मलाइका काम गंदी क्यों हो रही है, साफ है बिल्कुल, वॉश करके रखिए, तुम्हारी आँखों में कलर है, ये यूं ही करके ले जाओ। और गाइस ये देखिए खीर कितने मज़े की लग रही है, ये मम्मा ने आज दोपहर में ही बना दी थी। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, खीर मम्मा ने बनाई थी किसी और गेस्ट के लिए, बाबा के कुछ मेहमान आने थे तो उन्होंने कहा था कि खीर उनके लिए बना देना। अब उन मेहमानों से पहले हमारे कोई और मेहमान आ गए, सो वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है नसीब, यानी कि आप किसी के भी रिस्क, किसी के भी मुँह का नवाला किसी और को नहीं दे सकते, ये अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स होता है। सो बस फिर ये वाले हमारे जो गेस्ट पहले आ गए तो हमने जो किसी और के लिए खीर बनाई थी वो इनको सर्व कर दी। सो बस अब मेहमानों को सर्व करने के बाद मैंने बनाना है आज पुलाव। आओ सो भाई गाइस इधर से सबसे पहले इसको निकालना होगा, ओ ये देखा, ओ एम जी ये गिर ना जाए कहीं स्मूथ से, टुंडे हाथों के साथ कहीं से इधर रखते हैं और इसे बंद करते हैं। एज यूजल जो ड्रॉ से निकलेगा बर्तन वो वॉश होगा सबसे पहले और फिर उसमें बनेगा खाना। सो पुलाव के लिए भी मम्मा ने दोपहर में गोश्त बॉईल कर दिया था। अभी मुझे ना सिर्फ अच्छा बीफ पुलाव मुझे बनाना सबसे ज्यादा, बल्कि चिकन पुलाव से भी ज्यादा आसान इसलिए लगता है क्योंकि बीफ ना मम्मा मुझे गला कर दे देती हैं, तो आपको पता है जब बीफ टेंडर हो गया तो भाई कहानी ही खत्म, फिर तो पुलाव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब फिर तो कोई काम रह ही नहीं गया। खैर अभी इसके लिए मैंने सारी प्रेप करके रख ली है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई, मैं आपसे वो बात करती हूँ, ये वाली के दाने दाने पे लिखा है मुझे पानी तो ला के दो, मुझे सो मतलब कि रिस्क तो इस तरह से अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ है ना कि हम भले ही हम इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि इसके पास ज़्यादा है और मेरे पास कम है, हालांकि मतलब अल्लाह ताला ने जितना जिस हिसाब से आपके नसीब में लिखा हुआ है ना, मैं सोचती हूँ बस उतना आपको कहीं से भी मिल के रहना। मैं कहा तुम क्या बैठ के पकाओगी क्या? सो भाई जब हमें ये बात एक कंफर्म हो चुकी है कि जितना हमारे लिए अल्लाह ने लिखा है उतना रिस्क हमको कहीं से भी मिलेगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम मिलना है,
सो फिर हम क्यों, मैं कहती हूँ क्यों खुद को परेशान करके खुद को अंदर से ख़त्म करने वाली बात है। परेशानियाँ ना इंसान को पता नहीं लगता, वक्त के साथ साथ इंसान की सेहत भी ख़त्म करती जाती हैं और अंदर से भी ना इंसान को ख़त्म करती जाती हैं। सो बस जो चीज़ हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान भी होगी तो हमें मिल जाएगी, जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होठों के दरमियान से भी कोई ले जाएगा। इस बात को बस अगर हम याद रखें ना तो मैं कहती हूँ शायद हम परेशान ना होंगे। और इस वक्त मैं बीफ पुलाव जो है वो अपना तकरीबन टमाटर शमाटर सब डाल चुकी थी, अब मैंने ना सिर्फ बीफ को थोड़ा सा भून लेना है। और मैं जो आपको चीज़ अब मैं साथ में इसमें मसाले डाल रही हूँ वो भी आप देखते जाएं, लेकिन मैं आपको जो चीज़ या बातें बोलती हूँ ना, समझो अभी यही वाली बात मैंने जो रिस्क की बोली है कि जितना जिसको मिलना होता है उतना मिल के रहता है, तो परेशानी की बात नहीं है। अब मैं सोचती हूँ, मैं भले आपको ये बात बोल रही हूँ लेकिन मैं भी, क्योंकि इंसान है ना, इंसान के खून में है परेशान होना, ये आप समझ लें। सो ये परेशानी ऑफकोर्स मैं भी परेशान इस चीज़ को लेकर होती हूँ, आप लोग भी होते होंगे, दुनिया में सारे इंसान होते हैं। लेकिन ना एक होता है ना कंट्रोलिंग पावर, तो वो कंट्रोल हमको आना चाहिए। सो बस अब मैंने सारी यखनी जो थी वो डाल दी। इस बार मम्मा ने गोश्त की यखनी अच्छी खासी निकाली थी, इसमें मैंने सारे मसाले वसाले भी डाल दिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और बाकी तो खड़े गर्म मसाले ही डाले थे। और अब मेरा जो है चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। सो मच 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 लेटर मैं सिर्फ ये लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे मलाइका से बोले फिर डाल दे। मम्मा यार मैं अपना डाल के ले जाऊं, बस फिर साथ ही खाते, मैं भी पता नहीं खाऊं, दो दिन तुम्हारे साथ ही खा लूंगी, वैसे तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। तो गाइज मुझे बहुत 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 ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने बीच में इशा की नमाज़ पढ़ी, इस वजह से बस फिर मैं दम देकर बीच में ही चली गई थी। सो अब मैं जो हूँ व्लॉग का यहाँ पर एंड करूँगी। सो आप में से जो भी चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।